और यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले बर्बर होते जा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर रही है। शक्तिशाली बमों से हमले के बाद मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। मारियुपोल में रूसी सैनिकों ने एयरक्राफ्ट से बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया और खतरनाक बमों से बमबारी की, जिसमें 50 लोग जिंदा जलकर मर गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक रूसी हमले में अकेले मारियुपोल में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 210 बच्चे शामिल हैं। और उधर यूक्रेन के होस्टमेल में भी रूस की बमबारी से जबरदस्त तबाही हुई है। वहां पर रूस के हमलों से पूरा एयरपोर्ट तबाह हो गया, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान भी इसी एयरपोर्ट पर हुए हमलों में बर्बाद हो गया। इरपिन और बूचा से पहले होस्टमेल ऐसा शहर था जिस पर रूस की सेनाओं ने सबसे पहले हमला बोला था। इस वक्त मैं एक मिसाइल जहां पर गिरी थी उस जगह पे हूं। आप देखिए ये मिसाइल कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी मिसाइल है। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं, चूंकि अंधेरा अंदर है, लेकिन ये जमीन के अंदर कई फुट अंदर गई है। और इस तरह की मिसाइलों के जरिए ही होस्टमेल पे सबसे पहले कब्जा किया रूस ने, क्योंकि वहां के हवाई अड्डे को कब्जा करने के बाद ही आसपास के इलाकों पर वो कब्जा कर सके। वहां पर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां उतारी, सैनिक उतारे। अगर पीछे आप देखें मेरे, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसको तबाह कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर सेना रहती थी, लेकिन एक व्हीकल जो रूस का है जिस पे वी लिखा हुआ है, यहीं से आपको कमल देव जी दिखाएंगे, दिखाइए कमल देव जी। एक वी लिखी हुई व्हीकल जो है, जिसको बख्तरबंद गाड़ी कहते हैं, चूंकि होस्टमेल यहीं पर है जो हवाई अड्डा है जहां पर सारी गाड़ियां उनकी उतरी थी हवाई जहाज के जरिए, और उसके बाद पूरे इलाके पर उन्होंने मिसाइल बरसाई। एक तरफ हवा से मार कर रहे थे, दूसरी तरफ जमीन से उनके टैंक आ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने होस्टमेल पे सबसे पहले कब्जा किया, फिर बूचा और इरपिन की तरफ गए। तो इस तरह की मिसाइल बहुत सारी आपको इस इलाके में दिखाई देंगी जो अब भी मौजूद हैं। और ये मिसाइल जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह रूस ने बड़े बड़े हथियारों से, बड़ी बड़ी मिसाइल से रॉकेट दाग करके होस्टमेल, इरपिन और बूचा को तबाह किया था। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, News18 India। उधर चीन से खतरे के बीच अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप देने का फैसला किया। ताइवान के साथ खड़े अमेरिका ने हमेशा चीन के उस दावे का विरोध किया है जिसमें उसने ताइवान को अपना हिस्सा बताया, और अब उसने ताइवान की सेना की मजबूती के लिए बेहद ही आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण उसे देने का फैसला किया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ताइवान को हथियारों की एक बड़ी खेप की बिक्री को मंजूरी दे दी गई। ताइवान के साथ की गई इस डील में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने वाले उपकरण उसे देगा। अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है, और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। अमेरिका ने ताइवान को ये हथियार ऐसे वक्त दिए हैं जब उसके ऊपर चीन के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की खबरें हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने के लिए हमला कर सकते हैं। ताइवान के साथ अमेरिका की इस डील को चीन के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में चीन के विमानों ने कई बार ताइवान में घुसपैठ की थी। माना जा रहा है कि सौदे के बाद ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उसके आसमान की सुरक्षा करने में बड़ी मदद करेगा, जो कि 100 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकता है। और जैसे ही इसे खतरे का पता चलता है, पेट्रियट करीब आधे घंटे के भीतर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अपने आसपास के 90 डिग्री के इलाके पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही ये लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को निशाना आसानी से बना लेता है। अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका ताइवान को कई और हथियार देगा। इसके लिए उसने ताइवान के साथ $95 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 772 करोड़ से ज्यादा के सौदे